व्लॉगिंग करते क्या? हाँ सो है गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। दिन के बज रहे हैं 11 और इस समय अभी हम हैं अपने घर पर और यहाँ से निकल रहे हैं विक्रम के लिए। वहाँ से मेरा शर्ट जो है छोटा हो रहा था, टाइट हो रहा था, तो उसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं विक्रम में, फिर विक्रम में हल्का फुल्का वही का काम है करने के बाद सीधा घर आएंगे, कहीं नहीं रुकना है बीच में क्योंकि गर्मी का समय है। तो चलिए मिलते हैं विक्रम में। गाइस हम आ चुके हैं शॉप पर और यहीं से हमने परचेज किया था और यहाँ से परचेज करने के बाद एक्सचेंज करने के बाद जो है सीधा घर को निकलेंगे। केवल साइज चेंज कर दीजिए। व्लॉगिंग करते हैं क्या? हाँ। चैनल क्योंकि डेली लाइफ का मेरा होता है ना। तो गाइस जस्ट हम अभी उसी शॉप में आए हैं जहाँ से हमने परचेज किया था और एक शर्ट तो सही हो गया बट एक टाइट हो रहा था हल्का सा, तो हमने सोचा कि एक्सचेंज कर ही लेते हैं क्योंकि फिर इधर मौका मिलेगा ना मिलेगा। तो 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं आप समय और उसके बाद सीधा हम निकलेंगे घर क्योंकि बहुत गर्मी ज़्यादा है। ये शर्ट है, यही वही शर्ट है जो टाइट हो रहा था कल शाम को, हमने चेंज मतलब ट्राई किया था। तो चलिए अब यहाँ से निकलने वाले हैं जल्द से जल्द, है ना। तो गाइस अभी हम जूस पिए हैं और आर्या भी जूस पिया अभी। और राजा मुस्कान के लिए पैक करवा लिए और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। जैसा कि हमने देखा, हमने जस्ट अभी घर पर आया है और सभी लोग चौंक गए कि आ गया, सभी लोग मार्केटिंग कर। तो गाइज अभी शाम हो गए हैं और शाम को अभी 5 बज रहे हैं और देखिए आर्या और कौशिक कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कौशिक? धूरी धूरी बुलाए पूरा। हाँ कौशिक मजा आ गया था। चलो ठीक है, गाइज शाम को इतना गर्मी हो, दोपहर को इतना गर्मी हो रहा है ना, कहीं भी जाने निकलने का घर से मन नहीं कर रहा है। जब मैं आज मार्केट गया अपने वाले शर्ट को एक्सचेंज करने के लिए, तो काफ़ी मतलब इतना लू चल रहा था ना कि एकदम लग रहा था कि आग में कूदे हुए हैं। तो ऐसे में ब्लॉगिंग करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ रहा है, ब्लॉगरों को बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है बीच में आ रहा है। तो ऐसे तो हम राइड पर निकलते हैं तो रात को ही निकल जाते हैं 2 बजे से, है ना। 2 बजे से मतलब उठ जाते हैं, 2:30 बजे फ्रेश होके मतलब बाहर निकल जाते हैं राइड के लिए। तो पटना में हम होते हैं 3 बजे तक, तो 3 बजे से जो राइड करना शुरू कर देते हैं अपना इधर, तो जहाँ भी मन किया घूमने का, जहाँ भी लगातार गाड़ी चल रहा है, बाइक चल रहा है, मज़ा आता है इंजॉय करने में, है ना। तो देखते हैं कल कहाँ राइड होता है, पटना में होता है कहीं और होता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ समय के बाद क्योंकि अभी घर में चल रहा है टीवी और म्यूजिक चल रहा है, तो मेरे ये वीडियो में मेरे ब्लॉग में ये हो सकता है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है। तो चलिए कुछ देर बाद मिलते हैं। गाइज अभी इस समय रूम में हूँ और शाम के बज रहे हैं 7 और आर्या जो है अभी जस्ट अपना होमवर्क पूरा कर रहा है, पढ़ रहा है, उसकी माँ जो है पढ़ा रही है, है ना। तो वैसे तो आर्या अपने खुद से होमवर्क कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए मैं उसको टाइट नहीं करता हूँ क्योंकि तो इधर आकर के मैं देख रहा हूँ 1-2 महीने से वो अपना टाइम पर जो है सारा चीज़ें कर लिया है। हालाँकि हमने बोला था कि एक टाइम टेबल उसका बनाएंगे बट ध्यान नहीं दे पाया किसी कारणवश, मैं बिजी रहता हूँ इसलिए मैं दिमाग से निकल गया ये बात।
वो ऑटोमेटिक ये सब रास्ते पर आ रहा है, फिर भी एक टाइम टेबल होना चाहिए जो कि सटा होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरा कौन दिन किस दिन का पढ़ाई क्या चीज़ होना होता है स्कूल में। तो रूटीन ही थोड़ा सा करना पड़ेगा, होमवर्क करो ठीक है। ओके तो गाइज अभी जस्ट हम नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, और ये जो एलर्जी हो गया था ना सामने, ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया। यहाँ पर लाल 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 जैसे कोई चीज़ मास्पक में हो जाता है, लाल लाल हो जाता है दाना दाना, वो अपने ऑटोमेटिक ठीक हो गया। ना कुछ ट्रीटमेंट करवाए, ना कहीं पर चेकअप करवाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।